हेलो गाइस, साइकोलॉजी और साइकेट्री में किसी भी केस को डायग्नोस करने के लिए केस हिस्ट्री और एमएससी यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट को ये डाउट रहता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि पूरा प्रोसीजर कैसे कम्प्लीट करें और किन बातों का हमें इस प्रोसीजर में ध्यान रखना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को मेंशन करना चाहिए, कौन से सारे डोमेन्स हैं जिनका एग्जामिनेशन करना है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एमएससी को डिटेल में, ताकि आप अच्छे से इस प्रोसेस को समझ सकें। एमएससी के पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द क्लिनिकल असेसमेंट प्रोसेस इन न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक प्रैक्टिसेस। एमएससी ऑल्सो अलाउ क्लिनिशियन टू मेक एन एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड फॉर्मुलेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर कोहेरेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में किन चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद मैं डिटेल में एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। तो एमएससी में सबसे पहले जनरल बिहेवियर एंड अपीयरेंस को असेस किया जाता है, सेकंड नंबर पर साइकोमोटर एक्टिविटी, देन स्पीच, थॉट, मूड, परसेप्शन एंड कॉग्निटिव फंक्शंस को मेजर किया जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जनरल बिहेवियर एंड अपीयरेंस, इसमें आपको क्या क्या देखना होता है, किन चीज़ों को रिकॉर्ड करनी होती हैं। अपीयरेंस में आप नोट करोगे क्लाइंट ने कैसे अपने आप को ग्रूम किया है, बाल कैसे बनाए हैं, नेल्स कैसे हैं, बढ़े तो नहीं हैं, साफ है, गंदे हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करने हैं। रिपोर्ट में आपको सबसे पहले देखना है कि क्लाइंट के साथ आपका रेपो इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ, ये भी चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है। देन आई टू आई कॉन्टैक्ट, इसमें आपको मेंशन करना है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट क्लाइंट ने आपके साथ मेंटेन किया या नहीं किया। आपको क्लाइंट में कोई टिक तो नहीं दिख रहा है, टिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अलग अलग टाइप के टिक्स हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग पलके झपकते हैं बार बार, किसी बॉडी पार्ट को रिपीटेडली मूव करते रहते हैं, एक ही चीज़ को रिपीट करना बार बार जिसमें इनवॉलेंट्री होता है, उसमें क्लाइंट्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। और इसके अलावा मैनरिज्म, मतलब मैनर्स कैसे हैं क्लाइंट के, और साथ में यह भी देखेंगे कि क्लाइंट का बिहेवियर कैसे है एग्जामिनर के प्रति, और एंग्जाइटी साइन तो नहीं है उसमें, एंग्जाइटी साइंस को आप कैसे देख सकते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि मॉइस्ट हैंड्स, परस्पायरिंग फोरहेड, टेंस पोस्चर, वाइड आईज, रिंगलिंग ऑफ हैंड्स और फिजिटिंग बिहेवियर एट्सेट्रा। अगर ये चीज़ें आपको दिखती हैं तो एंग्जाइटी के साइन आप नोट करेंगे। नेक्स्ट जो हमें असेस करना होता है वो था साइकोमोटर एक्टिविटी, क्लाइंट का साइकोमोटर एक्टिविटी, उसमें देखना होता है कि साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है। इसके बाद जो आपको नोट करना है वो है स्पीच ऑफ द क्लाइंट। स्पीच में सबसे पहले आता है फॉर्म ऑफ अटरेंस, किस तरीके से वो वर्ड्स को बोल रहा है, सेंटेंस को बोल रहा है, स्पॉन्टेनियसली बोल रहा है या नहीं, अमाउंट क्या है, मतलब स्पीच का अमाउंट क्या है, कम है या बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, टोन क्या यूज़ कर रहा है, हाई टोन में बोल रहा है, लो टोन में बोल रहा है, टेम्पो क्या है, टेम्पो फास्ट है या स्लो है, रिएक्शन टाइम एवरेज है, इंक्रीज्ड है, डिक्रीज्ड है, प्रोसोडियो स्पीच मेंटेन किया है कि नहीं किया है, मतलब बोलने के रिदम क्या है और जो बात बताना चाहता है उस पर कितना स्ट्रेस दे रहा है, और साथ में जो बोल रहा है वो रेलिवेंट है या इररिलेवेंट है, जिस प्रॉब्लम को लेके आपके पास आया है उससे रिलेटेड वो चीज़ों को बोल रहा है या उससे
हट के ही बोल रहा है, मतलब आप पूछ बात कर रहे हैं आम की तो बात कर रहे हैं इमली की, ऐसा तो नहीं है। इन सब के बाद हमें मेज़र करना होता है थॉट ऑफ द क्लाइंट। थॉट में सबसे पहले आता है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमें देखना होता है क्लाइंट की स्पीच और डिसऑर्गेनाइज तो नहीं है, इन डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग तो नहीं है। देन हमें नोट करना होता है स्ट्रीम ऑफ थॉट। स्ट्रीम ऑफ थॉट में हमें देखना है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ तो नहीं है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मीन्स अगर क्लाइंट के आइडियाज शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं, अभी वो बात कर रहा है ए के बारे में और पहुंच गया एच पे, यानी कि अभी अपनी प्रॉब्लम को लेके आपके पास आया है, उससे डिस्कस कर रहा है और डिस्कस करते समय तुरंत मतलब उसके आइडियाज शिफ्ट हो गए और वो पहुँच गया अपने स्कूल टाइम और स्कूल टाइम की बातों को बताने लगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर आपको नोट करना होता है पोजीशन ऑफ थॉट। पोजीशन ऑफ थॉट में आप देखेंगे ऑब्सेशन और कंपल्सन। ऑब्सेशन या कंपल्सन तो नहीं है किसी चीज़ों को लेकर। ऑब्सेशन होता है रिपीटिव थॉट्स। रिपीटिव थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं क्लाइंट को बार बार किसी चीज़ के बारे में। अगर ऐसा आ रहा है तो क्या कंपल्सन भी हो रहा है, यानी कि उन थॉट्स को दूर करने के लिए कुछ एक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रहा है। कर रहा है तो किस टाइप के एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कुछ क्लाइंट्स में आपको ऑब्सेशन के साथ कंपल्सन भी दिखेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑब्सेशन के एब्सेंस में कंपल्सन होता है, तो आपको क्लियरली मेंशन करना है कि ऑब्सेशन क्या हो रहा है और कंपल्सन क्या हो रहा है। नेक्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है थॉट एलिनेशन। थॉट एलिनेशन में क्या होगा, क्लाइंट्स को ऐसा लगेगा कि उसके थॉट्स उसके कंट्रोल में नहीं है, कोई और व्यक्ति या कोई एजेंसी उसके थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ऐसा आप देखते हैं कि क्लाइंट्स ऐसा सोच रहा है या उसके थॉट्स ऐसे बन रहे हैं, तो आप उसको फर्दर एक्सप्लोर कीजिए कि वो थॉट इंसर्शन है, थॉट विथड्रॉल है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग है या थॉट इको है। और इसके साथ ही आपको ऑब्जर्व करना है कंटेंट ऑफ द थॉट। क्लाइंट्स के कंटेंट ऑफ थॉट्स कैसे हैं, ओवर वैल्यूड आइडियाज़ हैं या डिल्यूजन्स हैं। इसके बाद आपको ऑब्जर्व और नोट करना होता है मूड ऑफ द क्लाइंट। मूड ऑफ द क्लाइंट कैन बी असेस्ड एज सब्जेक्टिव रिपोर्ट और इट मे बी ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन। और क्वालिटी ऑफ इमोशन, इंटेंसिटी और डेप्थ ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंसेस, रेंज ऑफ अफेक्टिव रिस्पॉन्सेज, मोबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड अप्रोप्रिएटनेस। इसमें आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, जैसे मूड कैसा है, तो जो भी वो जवाब देगा आपको उसी के वर्ड, उसी क्लाइंट के वर्ड्स में आपको अपने रिपोर्ट में नोट करना होगा। मान लीजिए आपने पूछा मूड कैसा है, तो क्लाइंट बोल सकता है अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे चिड़चिड़ापन रहता है, मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब जो भी वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं आपको उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही नोट करना है। मूड ऑब्जर्व करने के बाद नेक्स्ट आपको ऑब्जर्व करना होता है परसेप्शन। क्लाइंट के परसेप्शन क्या है, कोई इल्यूजन तो प्रेजेंट नहीं है, हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा क्लाइंट को। हेलुसिनेशन विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, टैक्टाइल हो सकता है, ऑल्फैक्टरी हो सकता है, काइनेस्थेटिक हो सकता है, किसी तरह का हेलुसिनेशन अगर है आपको दिख रहे हैं तो उसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट जो आपको एग्जामिन करना है वो है कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव फंक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस एमएससी का, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से करें। कॉग्निटिव फंक्शंस में हमें एग्जामिन करना होता है ओरिएंटेशन, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, जजमेंट और इनसाइट। टाइम ओरिएंटेशन चेक करने के लिए आप पूछेंगे व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़, आज की डेट क्या है, अभी टाइम क्या हो रहा है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, अभी क्या है, इससे आपको टाइम ओरिएंटेशन पता चलेगा। नेक्स्ट प्लेस ओरिएंटेशन के लिए आप उस जगह के बारे में पूछेंगे कि कौन सा प्लेस है, वो स्कूल है, ऑफिस है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, और साथ ही आप पूछेंगे जो क्लाइंट जिनके साथ आए हैं वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनको वो पहचानता है नहीं पहचानता है और रिलेशन में वो क्या है, उससे क्लियरली पूछेंगे।
इन चीज़ों से आप ओरिएंटेशन पता कर सकते हैं क्लाइंट का, तो टाइम के साथ ओरिएंटेड है, प्लेस के साथ ओरिएंटेड है, रिलेशंस के साथ ओरिएंटेड है। इसके बाद आपको एग्जामिन करना होता है इनसाइट ऑफ द क्लाइंट या पेशेंट। इनसाइट मतलब कि किस पेशेंट की किस लेवल पे अवेयरनेस है उसको, उसकी इलनेस को लेकर, यानी कि वो कितना अवेयर है कि हाँ उसे वो प्रॉब्लम है। हो सकता है उसको बिल्कुल ही इनसाइट ना हो, एब्सेंट ऑफ इनसाइट हो, पार्शियल इनसाइट हो सकता है, मतलब उसे पता तो है इलनेस है बट उसके अगेंस्ट कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेगा फिजिकल टर्म्स में। कंप्लीट इनसाइट जिसमें पेशेंट को पता होता है कि उसे वो प्रॉब्लम है और उसके इलाज के लिए आपके पास आया। इसके बाद हमें क्लाइंट के अटेंशन और कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए अलग अलग टेस्ट करना होता है, और टेस्ट से रिजल्ट में हमें ये पता चलता है कि दोनों इम्पेयर्ड है, यानी कि अटेंशन और कंसंट्रेशन दोनों इम्पेयर्ड है। तो क्लाइंट को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, मेनिया हो सकता है, सिज़ोफ्रेनिया, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनमें से कौन से डिसऑर्डर हैं उसको आपको रूल आउट करना है बेस्ड ऑन अ केस हिस्ट्री और MSC। अटेंशन और कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए आप डिफरेंट असेसमेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ कर सकते हैं, जैसे सीरियल सेवन टेस्ट। उसमें आप पूछेंगे कि 7 को सब्सट्रैक्ट करो 100 में से, देन टेक 7 फ्रॉम द रिमाइंडर रिपीटेडली अंटिल इट इज़ लेस देन 7। इसके अलावा आप मंथ्स और ईयर्स को रिवर्स ऑर्डर में पूछ सकते हैं, डेज और वीक को रिवर्स में पूछ सकते हैं। मेमोरी में हमें इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी तीनों को असेस करना होता है। मेमोरी असेसमेंट के लिए भी आप अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ कर सकते हैं, जैसे डिजिट स्पैन टेस्ट। इमीडिएट मेमोरी टेस्ट करना है तो उसके लिए आप डिजिट स्पैन टेस्ट कर सकते हैं। और रिसेंट मेमोरी टेस्ट करना है उसके लिए आप कुछ क्लाइंट्स को बोल सकते हैं कि कोई नाम और एड्रेस उसको आप बता सकते हैं, और उसे बोलिए आपको इसको याद रखना है, और कुछ देर बाद आप उसी को पूछिए, इससे आपको रिसेंट मेमोरी पता चलेगी। तो स्कोर आउट ऑफ 6 करना है, 0, 1, 2 एबनॉर्मल, 5, 6 है तो नॉर्मल। क्लाइंट की लॉन्ग टर्म मेमोरी पता करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आप क्लाइंट की पर्सनल लाइफ से पूछ सकते हैं जो उसके लाइफ से जुड़ी हों, और पर्सनल इवेंट्स जैसे बर्थ डेट। इसके अलावा मेमोरी को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप क्लाइंट की मेमोरी को असेस कर सकते हैं। दोस्तों MSC से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको टाइम पे मिले।